हमारा चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अरवी के बारे में। अरवी रूट ऑफ द प्लांट होता है जो कि अर्न फैमिली से होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक पौधे की जड़ है और इसका प्रयोग आमतौर पर सब्जियों में किया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किन लोगों को ये खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और किस तरह के रोगों में इसको खाना चाहिए और किन लोगों के लिए ये हानिकारक है तो उन्हें ये नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स अरबी के बारे में। ये थोड़ा सी ठंडी, इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो अरबी आप उस हिसाब से खाएँ। यदि आपको शीत जल्दी होती है तो आप अरबी का सेवन अपने हिसाब से करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि किस तरह के रोगों में अरवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। गुर्दे के जो रोग हैं, यानी कि आपको गुर्दे की यानी कमजोरी या इस तरह के कोई भी रोग हैं, तो उस अरवी को खाने से इस तरह की कोई भी बीमारी जो होती है वो ठीक होती है। तो किस तरह का सेवन आपको अरवी के साथ करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किन रोगों के लिए अरवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, गुर्दे के यदि रोग हैं, गुर्दे की कमजोरी या गुर्दे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अरवी का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। हाई ब्लड प्रेशर यदि है तो आपको उसको अरवी को खाना चाहिए, क्योंकि ये उसको नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को कम करता है। तो अरवी का सेवन यदि आप करते हैं तो ये उच्च रक्तचाप के जो मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। त्वचा का सूखापन या फिर स्किन में जो झुर्रियाँ होती हैं उसको भी अरवी दूर करता है, यानी कि स्किन की रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, उनको अरवी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और आँतों में जो सूखापन है उसको भी अरवी के सेवन से, उसको भी, या श्वास नली में जो सूखापन है उससे भी अरवी के सेवन से लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है, यानी कि आपका त्वचा में जो सूखापन है और झुर्रियों से अगर आप परेशान हैं और आपकी सांस लेने में जो सूखापन है, तो आप ज़रूर अरवी का सेवन करें, इससे आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कितना और किस तरह की मात्रा में आपको इसका सेवन करना है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि अरवी का सेवन आप सब्जी के तौर पे कर सकते हैं। इसकी सब्जी बनाई जाती है जिसे गरम मसाला, दालचीनी और लौंग का प्रयोग किया जाता है, उसको डालकर बनाया जाता है। और ये सब्जी आप समान तौर पर जैसे आम सब्जियाँ आप खाते हैं वैसे ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। हृदय रोग के पेशेंट्स के लिए अरवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यदि आप प्रतिदिन अरवी का सेवन करते हैं, प्रतिदिन नियमित रूप से यदि आप अरवी का सेवन करते हैं, तो हृदय रोग के रोगियों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए अरवी का सेवन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनकी दूध में वृद्धि करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो उन महिलाओं को ज़रूर अरवी खाना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। तो अरवी की सब्ज़ी यदि आप खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से सब्ज़ी के रूप में इसको खाया जाता है और कई जगह पे इसे अलग तरीके से भी खाते हैं, पर आमतौर पर सब्ज़ी के रूप में ही अरवी का सेवन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ कि किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अरवी और उनके लिए ये हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को गैस की समस्या है तो उन लोगों को अरवी के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही गठिया के अगर आप पेशेंट हैं, गठिया रोग अगर आप मरीज हैं गठिया रोग के, तो उनको भी अरवी का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही खांसी या फिर गले की कोई भी समस्या है तो उनके लिए भी अरवी हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि किन लोगों को अरवी का सेवन करना चाहिए और कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है इसके बारे में बताया, और किन लोगों को इसको खाने से बचना चाहिए इसके बारे में हमने बात करी। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने घर में इसका अरवी का बनाते हैं, आप अरवी खाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपके घर में किस तरह के पेशेंट हैं और उनको आपको कितना और किस तरह की मात्रा में अरवी खिलानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो वो आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल फ्री है।